इंडिया के सबसे बड़े और हिट सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का सफर फाइनली आज ग्रैंड फिनाले के साथ खत्म हो गया। 12 घंटे चलने वाला ये किसी भी रियलिटी शो का पहला सबसे बड़ा ग्रैंड फिनाले रहा। इस बार शो में शानदार टैलेंट देखने को मिला। सभी कंटेस्टेंट शुरुआत से ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। वैसे तो फिनाले में 5 कंटेस्टेंट्स पहुंचते हैं, लेकिन इस सीजन एक से एक उम्दा सिंगर इस शो से जुड़े, जिसके चलते शो में 6 फाइनलिस्ट रखे गए। और इस बार ट्रॉफी जीतने की रेस में 6 कंटेस्टेंट्स पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, सन्मुख प्रिया, मोहम्मद दानिश, साइली कामले और निहाल टोरो ने एक दूसरे को फिनाले में कड़ी टक्कर दी। लेकिन विनर तो कोई एक ही होता है, और इस बार दूसरे कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ते हुए पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल 12 के विनर का खिताब अपने नाम कर लिया है। 23 साल के पवनदीप ने शो में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देकर आखिरकार पूरे देश का दिल जीत ही लिया। इनाम के रूप में उन्हें इंडियन आइडल की शानदार ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए दिए गए। साथ ही उन्हें एक ब्रांड न्यू मारुति स्विफ्ट कार भी दी गई। बात करें पवनदीप के सफर की, तो इंडियन आइडल में उनका सफर शानदार रहा। पवनदीप सिर्फ सिंगिंग ही नहीं बल्कि कई सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत शानदार तरीके से बजाते हैं। पवनदीप केवल सिंगर ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करने वाले स्टार साबित हुए। वहीं शो में दूसरे नंबर पर रही अरुणिता कांजीलाल इंडियन आइडल 12 के खिताब की मजबूत दावेदारों में से एक मानी जा रही थीं, लेकिन कुछ वोट्स की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। वहीं फिनाले में तीसरे नंबर पर साइली कामले रहीं। पवनदीप राजन के इंडियन आइडल विनर बनने के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।